मैं प्रीति चेक दी कुक है सर, स्कूल 55 बच्चे और मैं कल्ली कुक है। मैं इन्ना टाइम हो गया उधर लगे दे, कोई पैसे 30 रुपये रोज मिलते, ओह्दे कन्नै केह करना होंदा 30 रुपये कन्नै। हुण असीं दूई बारी आए, साडी कोई मांग नहीं पूरी कीती, कुछ नहीं, और ना ही कुछ कुदै जाने वास्ते भी कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। जिसलै बोले कोई उसलै बोलदे पहले खाना बनाओ, ये करो वो करो, सारा काम करके जाने पौंदा। इन्ना काम है, इन्नी गर्मी च कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटी स्कूल नहीं, कोई पंखे नहीं, कोई कुछ, हर एक चीज़ की कमी है स्कूल। 30 रुपये कन्नै केड़ा इंसान है जेह्ड़ा अज्ज एडी जॉब करा दा कोई इंसान? 30 रुपये बच्चे 100 रुपये खर्चा करदे आ रोज़ दे, 30 रुपये कन्नै केह् करी सकदा इंसान? करी सकदा कुछ? कुछ नहीं कर सकता। साड़ी ये डिमांड है कि साड़ी 10,000 रुपये होनी चाहिए, सानू बार बार इधर चक्कर नहीं कटान। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ? ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦੇਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਟਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਐਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी यह समस्या भी जी सी, मतलब सारा हल होना चाहिए। अस निश्चर हुई इतने स्कूल लगे 2003 च लगे, अस 2003 च लगे, अज तक सारा कोई हल नहीं होया। सारा हल होना चाहिए सानू, मतलब तनखाह 10,000 होनी चाहिए है। तो सारे कोई रुट्टी नहीं पाई पकती, इन्ने इन्ने बच्चे होंगे स्कूल, केह् नां नहीं 55 बच्चे ने साढ़े स्कूल, 55 बच्चे ने साढ़े स्कूल। डीसी साहब सानू इ'यां टलदे, जिन्नी बारी आने टाली ओड़दे, हां हल करगे थोड़ा, हल करगे थोड़ा, ओह् करदे नी हल, कोई नी करदे साढ़ा। इन्ना कराया खर्चने रोज आने अस, कराया खर्चिये साढ़े 65 बच्चे ने साढ़ा मिडिल स्कूल, चलो सारा मिडिल स्कूल। हमारा जो डेपुटेशन था डी साहब से मिलने का था, हमारा जो इशू है, इशू ये था कि जो मिड डे स्कूल में कुक लगी हुई हैं तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, तो इनको अभी तक गवर्नमेंट हमारी 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 100 रुपया जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और कितने शर्म की बात है। सरकार 100 रुपया देती है जम्मू कश्मीर, तो 900 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये मोदी जी कहा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब तक सुखी नारी नहीं रहेगी तो हमारा देश कभी भी उन्नति तरक्की नहीं कर सकता। विषय ये था कि डीसी साहब से हम पहले ही मिले थे, तो डीसी साहब ने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम इस पर गौर करेंगे, जब तुम्हारी बातें जब सरकार तक ले जाएंगे। डीसी साहब से हमने दोबारा एक मेमोरेंडम दिया डीसी साहब को कि हमारी जो बातें हमने आपसे रखी थी, जो हमारे सवाल थे, उसका जवाब क्या है। लेकिन उन्होंने कहा हम दोबारा सरकार तक आपका जो मसला वो पहुँचाएँगे। यह मसला मनोला डोगरा का नहीं है, यह मसला RJD का नहीं है, यह मसला पूरे जम्मू कश्मीर के जो कुक हैं, जो 900 रुपया तनख्वाह मिलती है उनका है, मसला उनके परिवार का है, मसला उनके अपने रोजी रोटी का है। 30 रुपया रोज लेकर इनका खाना कैसे बनता होगा, घर का घर में और घर का चूल्हा कैसे जलता है, इनको पूछिए। कहना ये बहुत चिंता की विषय हमारे लिए कि जब सरकार खोखले दावे करती है, जब सरकार आज तक इन्होंने पक्का नहीं किया है। अब क्या सरकार को चाहिए था इनको पक्का करके 10-15 हज़ार इनकी तरफा की जाए। अब 15 हज़ार भी कम है, 15 हज़ार की तनख्वाह की जाए, इनको रेगुलर किया जाए। फिर भी हमने इनको कहा है कि हमारे कम से कम, हमने जो उसमें लिखा था कि 10,000 पर तनख्वाह इनको लागू किया जाए, तो ये स्टेट वाले दूसरी बार आया ये सरकार की, मैं आखा सुती दी है अन्नी मेरी सरकार है जी, अच्छी सुना करा दी है। ये साड़ियाँ माता भैन जड़िया सैकटरी ने धक्के खा दी, एक 600 रुपया छोड़ो दी, 30 रुपये रोज दे सरकार दे दी, कि नमकमी सरकार है। और अर्जी गौरमेंट का दी भाई अच्छे दिन लैने, अं सेंटर गौरमेंट के अच्छे दिन लैने, ये अच्छे दिन है। इन्हें पूछे आटे का क्या भाव है, खंड का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है, गैस का क्या भाव है, पता कोई? कोई पता नहीं, नहीं सिर्फ यह है कि लोगों बनाना बेकूफ। ये साड़ियाँ मैदा भैन सवेरे ले आए सब तो पहले आदि है बेचारियाँ, सफाई सब तो पहले चपरासी को पहले आदि है, तो लास्ट बिच जिंदियाँ, तो सरकार सुती रही जेने लाइए पे जाए डिमांड की कि 10,000 रुपया सू सैलरी दो। दो बार इन्हें देता मैंबर उन्हें देता, तो डी साहब करते आए बात कर रहे हैं, कब बात होगी? हम कैप इनका पूछना चाहते हैं कि बात कब होगी, और जब तक
इनका जरा सही मसला अगर सही ढंग से इनको नहीं सॉल्व किया गया तो हम जो आम पार्टी जो सड़कों पर उतरेगी और हमारे साथ जो डोरा जी जो अभी भेजा बात वो नहीं है, बात पॉलिटिकल की बात नहीं है, बात पार्टी की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी जो महिला की बात करते हैं, महिला की हम जो उसकी जो स्कीमें की बात कर रहे हैं। एक आज का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसकी एक कॉपी लेना चाहे तो 20 रुपये से कम नहीं आती उसकी कॉपी। तो ऐसी सरकार चाहिए हमें, हम चाहते हैं डीसी साफ करना चाहते हैं और काम का जो एलजी साहब गवर्नमेंट दिया तू जरा बैठे जरा फायदा कर दिया पहला आदियाँ तो सब तो लास्ट पीछे जिंदा तो टीचर की तरह कोई नहीं है 70,000 रुपया 80,000 रुपया सर फोन पर अज सारी सैलरी कदों आई जी टीए डीए कदों उनकी बड़ी देख रेख है जी सी माता भैन जी हैं इन्हें कोई पूछना नहीं होया अ पूछना चाहते हो एल जी गवर्नमेंट की और डी डी सी साहब के फिर ही आखना डी साहब अगर सुना सारी मीडिया में बात सुना दे मैं अगर लेटर पैने पर सारी पैना दिता अच्छे अगर पहुँचा दो तो एल जी साहब तक पहुँचा दो।